दीपक कुशवाहा मध्य प्रदेश के पन्ना में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से वो कैसे जुड़े और उनके सेंटर पर किन सुविधाओं को जनता तक सीधे पहुंचाया जाता है, आइए जानते हैं। CSC के लिए आवेदन किया ऑनलाइन तो हम लोगों को CSC की आईडी मिल गई। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग का काम और पेंशन योजना, बहुत सारे पोर्टल चालू हो गए हैं जिससे सारे काम किए जा रहे हैं। MP डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल चालू हो गए हैं, मध्य प्रदेश परिवहन के पोर्टल चालू हो गए हैं और भी अन्य योजनाएं चलते हैं। कृषि बीमा योजना भी चालू हो गई है, बैंकिंग की भी सारी सुविधाएं एक जगह प्राप्त होने लगी हैं। कुल मिला के कहने के लिए कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी। दीपक के मुताबिक केंद्र सरकार की ये योजना बहुत मददगार है, जनता को इसका लाभ मिल रहा है, वहीं ये रोजगार का भी बेहतर माध्यम बनकर उभरी है। ये काम करने बहुत ही अच्छा लगता है और फायदा भी इसमें काफी ज्यादा है। एक रोजगार अच्छा खासा प्रोवाइड हो गया हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि ऐसी योजनाएं लागू की। स्थानीय लोग पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसी तमाम सुविधाओं के लिए CSC सेंटर का रुख करते हैं। सर यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता बाहर, जैसे पैन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड है और कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी मिल रहा है, तो हमको और कहीं नहीं जाना पड़ता है, इसे डायरेक्टली मिल जाता है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं, ये बहुत अच्छी योजना है। CSC सेंटर की अहमियत को देखते हुए सरकार ने देश भर में तेजी से नए सेंटर खुलवाने पर जोर दिया। आज इसका सकारात्मक असर होता दिख रहा है और डिजिटल कामकाज की सुविधा बड़ी आसानी से जनता तक पहुंच रही है।